महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड के द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन एडीएम जेके वर्मा, डीडीएम नाबार्ड के रंजीत कुमार सिन्हा और कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर पीके द्विवेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह प्रशिक्षण भोजपुर महिला कला केंद्र के द्वारा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के अलावा फेस मास्क इत्यादि की जानकारी दी गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड के द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन डीडीएम जेके वर्मा, जीडीएम नाबार्ड के रंजीत कुमार सिन्हा और कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर पीके द्विवेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किए। यह प्रशिक्षण भोजपुर महिला कला केंद्र के द्वारा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के अलावा फेस मास्क की जानकारी दी। साथ ही डीडीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ प्रशिक्षण ना लें, इस बात का ध्यान रखें आपके द्वारा बनाए गए सामान की क्या लागत आ रही है। इस मौके पर रितेश लोहानी, संगीता जायसवाल के अलावा कई लोगों ने अपनी बातें रखी। अपना गुरु के पास मान के चाहिए। पहले बहुत हमारी स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब रहे तो दीदी के साथ में रह के अपन मिला उला कमाए लगनी करे लगनी। दीदी हमारा के पैसा के कुछ हेल्प कैली, पैसा के हेल्प कैली, पैसा देली उली अपन घर में दुकान कर रही, बाहर भी सब बाहर निकल के रही, बड़ा दुकान करके अपन बेची ला, प्लस में अपन जीविका के समूह आदमी बना के जीवो के समूह चलावत हनी, अपना दुकानों चलावत हनी। आ जिनकी देली बात हम आगा में कर रहा हूँ। कई समूह में हो दिक्कत है बताओ। जीविका के समूह तो बना देनी, अपना गांव में बना देनी, 10 गो अलीपुर में 10 गो बना देनी, गठेउला दुसेउला मिला कर 20 गो बना लेनी, पिपरहिया गांव में 20 गो बना देनी, बना बना करके दीदी के हम दे देनी। सुजनी आदमी नहीं है जी सर। कितना दाम लगा इसको बनाने में, कितना खर्चा है? ये सुजनी किस यूज में आता है कोई बताइए? हम जो पूछ रहे हैं एक ही सवाल कर रहे हैं, बोलते हैं क्या करते हैं कुछ जो होता है मेरे घर में खर्च करने आता है भाई। सारे सब कपड़ा से ये से वो सारे ऐसे घरेलू कपड़ा से हैं कि आज के जो जमाने में गद्दा बनता है ना, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देह में घाव हो जाता है, अंग्रेजी में उसको बेडसोर बोलते हैं, पसीने। क्योंकि आज का जो गद्दा बनता है वो हमारा पसीना नहीं सोखता है। सुजनी जो बड़ा साइंटिफिक चीज़ है, हम लोग गांव देहात का बोलते हैं ना कि काबा, इसमें कभी बेडसोर नहीं हो सकता। ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि नहीं, इसमें बेडसोर नहीं होता, ये पसीना सोख लेता है। बच्चे का चमड़ा बहुत मुलायम होता है, हम लोग तो धीरे धीरे एकदम भैंस की तरह हो गए, लेकिन बच्चा जब पैदा हुए होंगे तो बड़ा मुलायम रहा होगा मेरा चमड़ा। तो उस जमाने में गांव में ऐसे ही खेदना बोलते हैं, कहीं सुजनी बोलते हैं, इस पे इसलिए सुलाया जाता था कि उसके जो मुलायम चमड़े पे कोई असर ना पड़े। नहीं, एक कपड़ा पसीना सोखता है पहला, और आपके बच्चे के चमड़े पे साग नहीं डालता है। आप छुड़वा के देख लीजिए डनलप और रिलैक्सोन के गद्दे पे, आपके बच्चे के चमड़े पे प्रभाव पड़ता है उसका, जो बहुत महंगा आता है, 15,000-18,000 में 3 फीट का गद्दा आता है। तो सुजनी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैडम सिल रही हैं। अभी हम आपके सामने ही लोगों को बोले थे कि जो बनाए उसका कीमत जरूर जाने कि हमें सब पैसा कितना लगा है, धागा लगा इसमें, कपड़ा लगा, ठीक है कपड़ा पुराना था, लेकिन पुराने कपड़ा था दिया तो किसी से ना, खरीदने कभी तो खरीदा होगा ना। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे तो कपड़े का दाम अभी 50 रुपये लगा देते हैं, पुराना हो गया तो। धागे का कितना लगा, इसको बनाने में कितना धागा लगा, जो हम आप लोग को प्लीज सुन लीजिए, जो हम आप लोग को बोल रहे हैं इस चीज़ को जरूर जानिए सफल होने के लिए। ये सुजनी कितना में बेचिएगा अगर हम खरीदेंगे तो? हम एक ग्राहक हैं आपके गाँव में, बताइए। आपको फायदा कितना होगा 300 में बिकेगा? जैसे कि हम लोग तो आप ये बता रहे हैं, लेकिन हम बेचेंगे तो 400-500 में बेचेंगे। लगा कितना पैसा? इसमें पैसा लगा है सर, मान के
मैडम हम इसी पे चाहेंगे कि इस बार जो स्किल ट्रेनिंग दे रही है इनको इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा एक दो दिन जरूर क्लास करवा देंगे, ना हो तो एक आध दिन हम भी आगे बता देंगे इकोनॉमिक्स कैसे बनाया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स पे आप लोग जरूर, इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं,